हाय दोस्तों, मैं अभी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड। फिर नागरिक लिपि के बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि आखिरी वीडियो है क्योंकि समाप्त लिखा हुआ है। चलिए इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, नए व्यूअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर से जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक लेखक दक्षिण भारत में मिलने वाले नागरिक लिपियों के लेख के बारे में बता रहे थे, अब लेखक उत्तर भारत में मिलने वाले लेखों के बारे में बताते हैं, जिसमें वो स्टार्ट करते हैं गुजर के प्रतिहार जो राजा हुआ करते थे उनके द्वारा लिखे गए लेख प्रथम नागरी लेख हैं उत्तर भारत के, जो कि 8वीं शताब्दी में लिखे गए थे। कई सारे विद्वानों का ऐसा मत था, यानी कि उनका मानना था या अपना जो बोलते हैं ना पक्ष रखना, वही ऐसा कई सारे विद्वानों का मत था कि गुजर के जो प्रतिहार राजा थे उनका लेख पहला नागरी लिपि था। और विद्वानों का ये भी मानना था कि प्रतिहार राजा जो थे वो बाहर देश से आए हुए थे, बाहरी राजा थे वो, सब बाहर से आए हुए थे। उनका पहला शासन क्षेत्र अवंती प्रदेश बना और फिर दूसरा शासन क्षेत्र कन्नौज बना, जहाँ पे महीर भोज जो कि उनके एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने शायद नींव डाला था, वही कब 840 से 881 तक। उसके बाद महेंद्रपाल ग्वालियर को उन्होंने फिर शासन किया, आदि कई जगह पे उन्होंने शासन किया। फिर वहाँ पे लेख लिखे उन्होंने उनके ऊपर कि किस तरह विजय प्राप्त हुआ, किस तरह, वही लेख किस लिपि में, संस्कृत भाषा में, लेकिन लिपि नागरी लिपि था। लेखक क्या बोले हैं कि इनके द्वारा जो लिखा गया था उत्तर भारत में सर्वप्रथम वही था लिपि, और उत्तर भारत में नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है, देवनागरी लिपि से। फिर लेखक बोलते हैं कि विद्यानुरागी जो महेर भोज थे, वही परमार शासक भोज जो विद्यानुरागी थे, कहाँ धारा नगरी के जो महिर भोज थे, यानी कि कौन परमार के शासक जो भोज थे, वो बहुत ज़्यादा विद्यानुरागी मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञाता थे, परंतु उनके बहुत कम अभिलेख मिले हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उतना लिखने की सुविधा नहीं थी, आदि सब चीज़ों के कारण उनका लेख संग्रहित नहीं हो पाया, बहुत कम लेख मिले हैं। उसमें से कुछ प्रमुख लेख हैं वंशबड़ा और बेताम के क्रमशः दान पत्र, जो कि कोणकण विजय पर्व में लिखे गए थे किसी को दान देने के लिए। दान, जैसे पिछले वीडियोज में मैंने जैसे बताया था कि दान जब दिया जाता था तो उस समय रजिस्ट्रेशन ही होता है, अब आपका जो रजिस्ट्रेशन उस समय का दान पत्र हुआ करता था, तो वही दान पत्र, बस यही वंशबाड़ा और बेताम का दान पत्र मिला। किनका? परमार भोज का, परमार के जो भोज थे, कहाँ का? धारा नगरी के। उसका अगला टॉपिक मैंने क्या लिया है, बेताम दान पत्र कहाँ का है, इंदौर के समीप का है, इंदौर के जो समीप है मतलब इंदौर के आसपास के जो जगह है वहाँ का है। कब का है? 1024 ईस्वी का। कब? सोचिए 1024 ईस्वी उसी समय, यानी कि 11वीं सदी में ही ये सब हो चुका था। उसके फिर बोलते हैं संक्षिप्त चर्चा, लेखक बोलते हैं कि हमने उन्हीं पर संक्षिप्त चर्चा की जो कि सर्वप्रथम थी, यानी कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नागरी लिपियाँ कहाँ कहाँ पाई जाने की संभावना व्यक्त की गई, और उत्तर भारत में कहाँ कहाँ नागरी लिपि पाने की संभावना व्यक्त की गई। हमने सिर्फ उन्हीं की चर्चा की, उनके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि उत्तर भारत में 12वीं सदी के बाद कई राजाओं ने नागरी लिपि का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उत्तर भारत में 12वीं सदी में हिंदू शासकों ने देवनागरी का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और फिर कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। कब? 12वीं सदी के बाद आम हो गया था देवनागरी बोलना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ। इस तरह फिर ये पार्ट यहीं समाप्त हो जाता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 बहादुर, जिसके राइटर हैं अमरकांत, वो स्टार्ट करूंगा। उससे पहले प्लीज़ आप सब पढ़ के आइएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को देखते रहें। हमारे टेलीग्राम आईडी टीच वर्ल्ड पे भी विजिट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आपको प्रोवाइड हो सके, और हमारे इंस्टा आईडी टीच वर्ल्ड पे जाके फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पेज पे भी। थैंक यू।